नमस्कार, द योगी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं किस तरीके से आप सुबह उठकर कुछ योग अभ्यास या कुछ स्ट्रेचिंग अपने बेड पर कर सकते हैं, या खाट पर या फोल्डिंग पर, आप जहां भी सोते हैं वहां पर कर सकते हैं। ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए रहेगी जो सुबह सुबह उठकर नहाकर खाना खाकर ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। डेली उनकी ये लाइफ शेड्यूल बन चुका है, उनके लिए मैंने खासकर ये वीडियो बनाई है। आशा करता हूँ कि अगर ये आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को आप कर लीजिए सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। चलिए देख लेते हैं किस तरीके से आप ये सारी की सारी योग अभ्यास या कुछ स्ट्रेचिंग घर पर लेटकर आराम से कर सकते हैं। ये जो एक्सरसाइज मैं बता रहा हूँ ये उन लोगों के लिए भी खास कर रहेगी जो लोग चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, सिर्फ बेड पर लेटे रहते हैं, वो लोग भी इन्हें बेड पर लेटकर एक्सरसाइज को कर सकते हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे आप सुबह सुबह उठते हैं तो कई लोगों का फेस ऊपर की तरफ होता है तो कईयों का जमीन की तरफ नीचे की तरफ फेस करके सोते हैं, तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपने पीठ के बल यानी कि कमर के बल आराम से लेट जाइए। अब दोनों पंजों को नीचे की तरफ इस तरीके से साले इंटरलॉक करें फिंगर्स और हाथों को धीमे धीमे ऊपर की तरफ लेके जाए। हम करने वाले ताड़ासना, बटक को फील करें, हील को, काफ मसल्स को, पूरी बॉडी को जो जो नीचे की तरफ लग रही है उसे फील करें। वापस आइए 10 सेकंड के बाद। इससे आपके 206 हड्डियां ओपन हो जाएगी यानी कि उनमें जो भी स्टिफनेस है वो हट जाएगी। अब क्या करने वाले अगली एक्सरसाइज उन लोगों के लिए है जिनके कंधों में दर्द रहता है, ऑफिस में रहकर वो सारे दिन डेस्कटॉप पर काम करते रहते हैं, तो इस तरीके से आप अपने इंटरलॉक फिंगर्स करके हाथों को ऊपर नीचे 10 बार उठाना है। इससे आपके कंधे भी सुबह सुबह ओपन हो जाएंगे और फुल डे आपके पेन भी नहीं होंगे जब आप रात को आएंगे या शाम को आएंगे। कई लोगों को सुबह सुबह बहुत पेन होता है तो उनको ये पेन बहुत कम होगा। ये एक्सरसाइज आप करें तो रिलीफ फील होगा। ये घर पर महिलाएं भी आराम से कर सकते हैं, 10 बार करें बस छोड़ दीजिए। अगली एक्सरसाइज रहेगी, या तो आप हाथ फैला सकते हैं, हाथ फैलाइए, या फिर अपने इंटरलॉक करके फिंगर्स को नीचे की तरफ सिर के लगा लें। अब दोनों घुटने आपस में मिला लें, राइट साइड आपकी लेग जाएगी और लेफ्ट साइड आपकी गर्दन जाएगी। इस तरीके से घुटने के ऊपर घुटना, हील के ऊपर हील, आराम से रिलैक्स होकर आराम से 10 सेकंड तक लेट रहे। 10 सेकंड जैसे आपके कंप्लीट हो तो धीमे से श्वास भरे, वापस आइए और लेफ्ट साइड लेग रहेगी, राइट साइड आपकी नेक रहेगी। मैंने जैसे आपको बताया था इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। इस तरीके से करने से कई लोग क्या करते हैं, अपने कंधे इस तरीके से उठा लेते हैं जो कि गलत है। इसमें आपसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी आ सकती है, आपकी कमर खींचेगी नहीं, खुलेगी नहीं। अगली जो एक्सरसाइज रहेगी वो इसी यही रहेगी, पर इसमें हम फास्ट करने वाले हैं। गर्दन बीच में रहेगी, हाथ सिर के नीचे लगा सकते हैं। 10 बार आपको राइट साइड लेफ्ट साइड, राइट साइड लेफ्ट साइड, इस तरीके से करते रहना है। अब अगली जो एक्सरसाइज है मर्कटासना ही है, साइड साइड ट्विस्टिंग रहेगी। कंधों जितना जितने आपके कंधे रहेंगे उतने आपके लेग्स में गैप रहेगा। अब अपने दोनों हाथ वहीं पर सिर के नीचे, राइट साइड लेग जाएगी, लेफ्ट साइड आपकी नेक जाएगी। पैर का जो तलवा होता है उस पर आपके घुटने लगेंगे इस तरीके से। कई लोग क्या करते हैं इस तरीके से लेग लेके जाते हैं आगे की तरफ, ये गलत है। थोड़ा ध्यान दे कि आपकी जो स्पाइन है वो बिल्कुल इस तरीके से आई हुई है, यहाँ पर लाइन में रहे ये घुटने आपके। वापस आएंगे और वापस आए, लेफ्ट साइड लेग और राइट साइड नेक, इस तरीके से आपको रहना है। मेरे घुटने देख लीजिए ध्यान से कहाँ पर है, वापस आइए। 10 बार आप इसको भी करेंगे फास्ट फास्ट, 1 2 3 4, इस तरीके से आप 10 बार कर सकते हैं। इससे आपकी कमर ओपन हो जाएगी। जिनके बैक में प्रॉब्लम रहती है उनको बहुत रिलीफ मिलेगा, उनकी बैक में जो प्रॉब्लम है वो दूर होनी शुरू हो जाएगी। अगली एक्सरसाइज मर्कटासना थर्ड वेरिएशन रहेगा। इस तरीके से हाथ फैला लीजिए इस टाइम पर, यहाँ पर फैला सकते हैं या फिर एक हाथ आपको सिर के नीचे लगाना है पड़ेगा। इसमें हाथ फैला के भी कर सकते हैं, राइट घुटना बेंड करें, अपने पैर के तलवे को जो आपके ये शीशे बनी हुई है यहाँ पर, फ्लैट फुट जिनके है उन, या फिर यहाँ पर आर्च आई हुई है वहाँ पर लगा लीजिए अपने घुटने पर। अब धीमे से अपने घुटने को लेके जाइए लेफ्ट साइड, गर्दन को अपोजिट करके रखिए, 10 सेकंड रुकिए और वापस आइए। वापस आने के बाद लेग सीधी कीजिए। अब अपने लेफ्ट घुटने को बेंड करें,
और लेके जाइए धीमे से राइट साइड। याद रहे पैर का तलवा कहाँ रहेगा आपका, जो आपका घुटने के ऊपर, पंजे वहाँ घुटने के ऊपर, नेक अपोजिट। 10 सेकंड के बाद वापस इस तरीके से आप लेट के ये कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब हम कुछ बैठ के एक्सरसाइज कर लेते हैं। कई लोग क्या होते हैं, बैठते किस तरीके से है, सीधा ऊपर की तरफ ऐसे बैठ जाते हैं, जो कि गलत है। इससे आपका जो ब्लड का सर्कुलेशन है सीधा ऊपर की तरफ आएगा, कई बार आपको प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी बैठे तो ये करेक्ट पोस्चर है जो मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से। अपने लेफ्ट हैंड को यहाँ पर साइड में रखिए, धीमे से लेफ्ट साइड से आराम से बैठ जाइए इस तरीके से। अब बैठने के बाद अपने आलती पालती लगा लीजिए। आलती पालती लगाने के बाद आपको क्या करना है, यहां से आपको अपने गर्दन को धीमे से ऊपर की तरफ उठा के रखिए 10 सेकंड तक। 10 सेकंड होने के बाद नीचे की तरफ, जिनको सर्वाइकल प्रॉब्लम है वो गर्दन को नीचे नहीं करेंगे, वापस आइए। अब इसको राइट साइड यानी कि अपने चिन को अपने कंधों की तरफ लेके जाइए, राइट वाले की तरफ वापस लेफ्ट साइड लेके जाइए। 10 सेकंड होल्ड रखे, वापस आइए, राइट हैंड ऊपर की तरफ उठाइए और धीमे से अपने लेफ्ट वाले ईयर के पास लेके आराम से जेंटली नीचे की तरफ स्ट्रेच फील करें वहां पर गर्दन पर अपने लेफ्ट पर। वेरी गुड, वापस अपने राइट हैंड को घुटने के ऊपर, लेफ्ट वाला हाथ ऊपर और आराम से नीचे की तरफ जाने दें। बहुत अच्छे, वापस आइए। अब अगली जो एक्सरसाइज रहेगी वो इस तरीके से रहेगी, आपको राइट हैंड अपने लेफ्ट वाले घुटने पर लगाना है, लेफ्ट हैंड ऊपर की तरफ उठाइए। अब धीमे से अपने राइट साइड बेंड हो जाए, इससे आपके साइड साइड में खिंचावट महसूस होगी। वापस आइए, चेंज करें लेफ्ट वाला हाथ अपने राइट घुटने पर, राइट हैंड ऊपर की तरफ उठा ले और धीमे से नीचे की तरफ बेंड हो जाइए और स्ट्रेच फील करें, वापस आइए। जाना है वज्रासना में। वज्रासना में बैठने के बाद आपको क्या करना है, अपने दोनों हाथ सामने की तरफ करा और नीचे की चिन को लगा ले या फिर फोरहेड नीचे की तरफ आप लगा सकते हैं। इस तरीके से लगाकर बैठ रहे, जिनके के गर्दन में पेन रहता है उनके लिए बहुत फायदेमंद है, जिनके कंधों में दर्द रहता है उनके लिए बहुत फायदेमंद है ये वाला आसन। इस तरीके से दोनों लेग्स मिला के रखनी है हमें इस टाइम पर और वापस आइए। अब दोनों हाथों को रब करके अपने चेहरे पर लगा ले, चेहरे पर लगाने से आपके चेहरे पर ग्लो आएगा, चमक आएगी। इस तरीके से आपको ये सारे आसना करने पड़ेंगे। आशा करता हूं कि हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और लोगों तक भी शेयर करें अपने फ्रेंड्स तक, क्योंकि सबकी जरूरत है ये, सबकी आवश्यकता है, हर घर की नीड है ये वाली एक्सरसाइज। हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें, जरूर जरूर करें, क्योंकि हम जो भी नई नई वीडियो लेके आएंगे वो आपके लिए फायदेमंद रहेगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। और हाँ, हम इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी है द योगीज के नाम से, हमें वहां पर जाकर फॉलो करें, हम आपका रिप्लाई जरूर देंगे। अगर कोई क्वेश्चन है तो हमसे पूछिए कमेंट बॉक्स पे, या फिर हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर आप वहां पर डायरेक्ट भी मैसेज कर सकते हैं। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।